आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज, मैं काशिफ अली। चुनाव आयोग ने लोकसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कब चुनाव होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहला चरण जो होगा वो 11 अप्रैल से शुरू होगा और 19 अप्रैल तक दूसरा चरण आखिरी चरण होगा और 23 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 23 मई के बाद सीधा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अब पहला चरण जो 11 अप्रैल को होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें जो ज़िले में होगा पहले चरण में चुनाव, वहाँ सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये पहला चरण है। 11 अप्रैल को यहाँ चुनाव होंगे। दूसरा चरण जो होगा 18 अप्रैल को, यहाँ पर नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जी हाँ, ये 18 अप्रैल को यहाँ चुनाव होंगे दूसरे चरण में। तीसरा चरण 23 अप्रैल को होगा, जहाँ पर चुनाव होंगे मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत, यहाँ पर तीसरा चरण 23 अप्रैल। चौथा चरण जो होगा 29 अप्रैल को शाहजहांपुर खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर, यहाँ चौथा चरण 29 अप्रैल। पांचवा चरण 6 मई, धौरहा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैज़ाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा, ये पांचवा चरण 6 मई को होना है। और छठा चरण 12 मई को होगा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही, जी हाँ, ये छठा चरण 12 मई को होगा उत्तर प्रदेश का। सातवां और आखिरी चरण जो होगा 19 मई को, जो सातवां चरण होगा उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये आखिरी 19 मई यानी सातवें चरण में चुनाव होंगे यहाँ 19 मई को। अब ये उत्तर प्रदेश का, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में होगा। अब इसमें अहम अहम मैं आपको ज़िले बता देता हूँ। पहले चरण में जो सबसे अहम ज़िला होगा वो कैराना होगा, क्योंकि कैराना में अभी उपचुनाव हुए थे और वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत गई थी और बीजेपी को हराया था। दूसरे चरण में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़िला है वो आता है, अगर हम बात करें अमरोहा की, आगरा, इसमें सबसे ज़्यादा है महत्वपूर्ण दूसरे चरण में। तीसरे चरण में मैनपुरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिरोज़ाबाद है, और अगर हम बात करें रामपुर, क्योंकि महत्वपूर्ण है, आज़म खां का इलाका है, 23 अप्रैल। और चौथा चरण 29 अप्रैल को जो चुनाव होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ज़िला है उसमें अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की, कन्नौज से डिंपल यादव हैं, और कानपुर भी काफ़ी मायने रखेगा ये। और पाँचवा चरण 6 मई को लखनऊ और बरेली, ये मायने रखेंगे, चुनाव अहम होंगे। फैज़ाबाद, क्योंकि अब अयोध्या हो चुका है, वहाँ अयोध्या का मामला है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, देखना होगा कि फैज़ाबाद की जनता क्या कह रही है। 6 मई को वहाँ वोट डाले जाएंगे। 12 मई को जो बड़ा ज़िला है वो प्रतापगढ़ है, फूलपुर है, इलाहाबाद है और डुमरियागंज है, आज़मगढ़ है, ये बड़े ज़िले हैं जहाँ पर 12 मई को चुनाव होंगे। और 19 मई को सातवां चरण जो सबसे अहम ज़िले हैं वो हैं गाज़ीपुर, बड़ा ज़िला है, वाराणसी, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, सबसे अहम है, हाई प्रोफाइल सीट है ये, और फिर गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, ये मायने रखेगा चुनाव। तो ये सारी हम देख रहे हैं कि ये सात चरणों में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम आपको ऐसे ही आगे बताते रहेंगे कौन से राज्य में, कौन से ज़िले में कब होगा चुनाव और किस तारीख को होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।